आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन व्यवस्थित सम्यक प्रकार से प्रलेखित और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशद ज्ञानारणव में जब बात आयुर्वेद की होती है तो लोकोपकारक इस ग्रंथ की उपादेयता को भारतीय मनीषियों ने विभिन्न संहिताओं का गहन अध्ययन कर परिभाषित किया है। भारतीय संस्कृति व ज्ञान चिरकाल से न केवल मानव मात्र के लिए अपितु सभी प्राणियों के सुख की परिकल्पना का प्रसार विश्व भर में प्रसारित करता आ रहा है। आयुर्वेद के सिद्धांतों में हितायु, सुखायु, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि विषयों के महत्व का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। ऋतुओं के अनुसार वायु, जल, तापमान, मिट्टी, वृक्ष, वनस्पति आदि में परिवर्तन के अनुसार जीवन शैली में भी परिवर्तन करना अपेक्षित होता है। ऋतु के अनुसार अपने आप में बदलाव करना, क्योंकि हर ऋतु में जैसे पंचभूतों में बदलाव होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, वैसे हमारे दोषों में भी कम ज़्यादा होते हैं दोष, और इसी से भी व्याधि होते हैं ऋतु के अनुसार। इसीलिए हर सीजन में ऋतु के अनुसार अगर हम अपने खान पान में विहार में बदलाव करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और व्याधि से प्रतिबंध हो सकता है। इसीलिए एक सीजनल रेजिमेंट भी है और एक सर्कैडियन रिदम जो दिनचर्या भी कहिए, तो ये दोनों को बायोलॉजिकल क्लॉक और यूनिवर्सल क्लॉक को एडजस्ट करना, यही एक ऋतुचर्या है। आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए लिखा गया है, मासेर द्विसंख्येर माघाद्यैहि क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः शिशिरोथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद धीमाः। माघ फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख महीने में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद महीने में वर्षा ऋतु, आश्विन एवं कार्तिक महीने में शरद ऋतु और मार्गशीर्ष एवं पौष महीने में हेमंत ऋतु होती है। शरद ऋतु के विषय में वर्णन मिलता है, वर्षा शीतो चित्तांगानाम सहसैवार्क रश्मिभिः तप्तानाम संचितम वृष्टौ पित्तम शरदि कुप्यति, अर्थात सूर्य की प्रखर किरणों से उष्णता प्राप्त कर जब वर्षा ऋतु में शरीर में साथ में होता है तब शरीर में संचित पित्त शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। तो ये जो शरद ऋतुचर्या है, जो अभी जो सीजन में बदलाव आ रहे हैं, गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, और बीच में ये जो ऑटम है, ट्रांजिट पीरियड है, इसमें हमें अपने आप को एडजस्ट करना, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक इस आने वाले सर्दी के लिए बदलाव करके एडजस्ट करना, ये शरद ऋतुचर्या है। आयुर्वेद में ये कहा है कि इसमें स्वाभाविकतः पित्त का प्रकोप होता है, सभी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ते हैं और वायरल भी पनपते हैं बाहर, वैसे बुखार, एंटेराइटिस होना, टाइफॉइड, डेंगू जैसे बीमारियां इन दिनों में ज़्यादा होती है, पित्त से होने वाली बीमारी ज़्यादा होती है, एसिडिटी होती है। इसके लिए तिक्त मधुर कषाय रस से युक्त शाली, युष, आंवला, शहद और लघु आहार का सेवन करना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार ही फलों का सेवन श्रेयस्कर बताया गया है। नित्य पर्याप्त मात्रा में फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार शरद ऋतु में कुछ ऐसे अंश भी हैं जिनके परिहार का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे रात में यवक्षार, अधिक भोजन, दही, तेल और वसा से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही शरद ऋतु में अधिक तीखे द्रव्यों का सेवन, दिन में सोना, धूप में अधिक समय तक रहना अहितकर बताया गया। शरद ऋतु में व्रत का आचरण स्वास्थ्यकारक होता है। इसके लिए भारतीय संस्कृति में शरद ऋतु के आरंभ में शारदीय नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों का उपवास किया जाता है। नवरात्रि में हल्का ताजा सुपाच्य खाना, इसीलिए नवरात्रि व्रत को अपने आप के भूख कम हो जाती है, इसके लिए भूख को अग्नि को प्रदीप्त करना, व्रत में सिंघाड़ा, समा का चावल या कुट्टू का आटा, इससे बना सिंपल या उसकी खीर भी हो, इसी से उबले हुए जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, इसके चावल घी डाल के ले सकते हैं। इन दिनों में घी का सेवन करना, देसी घी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो पित्त का भी कम होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता। तो आप और जो डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर, जो स्वस्थ हित
ऐसे जो एक सप्लीमेंट्री रिजुविनेटर है उसमें आंवला है। तो हम कहते कि आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो आंवला, गिलोय का सत्व, नागर मोथा, धना जीरा, उनसे बना हुआ पानी, और बुखार है तो शुंठी भी आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने आहार में, दिनचर्या में समाविष्ट करेंगे तो व्याधि नहीं होगी। शरद ऋतुकाल में विशेष व्यवहार के कारण शरीर में वेदना, संक्रमण, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होने जैसी समस्याएं होने का खतरा बना रहता है। इसलिए समुचित आहार विहार, स्वस्थ व्रत, सद्व्रत, दिनचर्या, रात्रिचर्या आदि का समुचित पालन आवश्यक होता है। आयुर्वेद से संबद्ध शास्त्रों में केवल चिकित्सकीय विषयों का ही वर्णन नहीं मिलता, अपितु यह मनुष्य की पूर्ण आयु पर्यंत उसके आचरण, व्यवहार, दिनचर्या आदि की भी आचार संहिता है। अतः इसके अनुसरण करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तो संभव है ही, साथ ही समाज में उत्तम जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी इससे प्राप्त होता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जैसे ही